नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। दिवंगत सांसद ई अहमद के घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने की बजट टालने की मांग, दिल का दौरा पड़ने से सांसद ई अहमद का हुआ था निधन। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आज ही पेश होगा आम बजट, पहली बार आम बजट का हिस्सा होगा रेल बजट। समाजवादी पार्टी ने बजट को टालने की कही बात। अखिलेश पूरा करेंगे कांग्रेस से किया हुआ वादा, रायबरेली के उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका। नेताओं से कहा सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस से किया है गठबंधन, अगली सूचना मिलने तक दाखिल ना करें नामांकन। भारत इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाना है मैच। सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं दोनों टीमें। और डोनाल्ड ट्रंप के वीजा प्रतिबंध के खिलाफ ब्रिटेन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। कल ट्रंप सरकार ने अमेरिकी संसद में H-1B वीजा बिल किया था पेश। H-1B वीजा के तहत सबसे ज्यादा भारतीय करते हैं काम। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।